आप अपने सेक्स बेहतर करना चाहते हैं, सेक्स टाइम इंक्रीज करना चाहते हैं, आप खोई हुई ताकत जो है ना वो दोबारा हासिल करना चाहते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो खाई जाएं तो पावर रिकवर हो जाए, जो लॉस नुकसान हो चुका है, और ऐसे कौन से आदत हैं, ऐसी कौन से खास कर काम है जिनको इंसान करके रिकवर हो सके। तो वीडियो को आपने शुरू से लेके एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आज की वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको बहुत काम आएगा। हाँ जी, सबसे नंबर वन पर जो आती हैं डाइट्स। खासकर आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि मैं कौन सी चीज़ें खाने को कहता हूँ और कौन सी चीज़ें नहीं कहता। अगर आपको नहीं पता यानी कि आप मेरी वीडियोस नहीं देखते हैं। अच्छा, डाइट्स में आपने क्या लेना है फिर भी मैं बता देता हूँ। नंबर वन पर आपने डेली ना आपने एक फ्रूट लेना है, आप तो खासकर जिसमें पानी की मिकदार अच्छी खासी हो, वाटरमेलन, तरबूज, इसमें 92% जो है वो पानी की मिकदार है। दूसरा आपने स्ट्रॉबेरी लेनी है, बेरीज, चाहे जिस किस्म के भी हो यार आप ले लें, आपको फायदा ही होगा। उसके अलावा आपने ड्राई नट्स लेने हैं, ड्राई नट्स ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं रिकवरी में। उसके बाद बादाम आपने लेने हैं, खजूरें आपने लेनी है, डेट्स, आंवला, इसमें अच्छी खासी विटामिन सी की मिकदार होती है, आपने आंवला भी लेना है। एक्सरसाइजेज में अगर मैं आपको बताऊं तो आपने एक्सरसाइजेज में कार्डियो ऐड करनी है, रनिंग ऐड करनी है, और हो सके तो वेट लिफ्टिंग, वेट आपने उठाना एकदम पहले दिन। आपने ये नहीं करना कि जिम ज्वाइन कर ली, साल की फीसें दे दी और फिर आप जाए ही ना, ये आप घर में भी कर सकते हैं एक्सरसाइज, जिम अगर आपके पास अवेलेबल है बल्ले बल्ले, फायदा ही फायदा है, ठीक हो गया। बाकी इसके अलावा मेडिटेशन आपने करनी है, मेडिटेशन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी यार मसरूफ हो गई है ना हर शख्स की, हर बंदे को कोई ना कोई टेंशन है, किसी को कारोबार की टेंशन है, किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को सैलरी की टेंशन है, बॉस ने फलाक कह दिया, बॉस ने ये कह दिया, घर में वाइफ से झगड़ा हो गया, बच्चों से बीमारी हो गई, बड़ों से बाहर, ये सारी परेशानियाँ हर इंसान की ज़िंदगी में चल रही होती हैं, लेकिन अगर आप इसमें मेडिटेशन ऐड करते हैं तो आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक्सरसाइज आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट करती है। अब क्योंकि बात मैंने टेस्टोस्टेरोन लेवल की ही कर दी है तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ जो आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत आला लेवल तक बढ़ा सकते हैं। होम्योपैथिक है, नुकसान भी कोई नहीं है, बेफिक्र होकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपकी एज कितनी ही क्यों ना हो, बस आपकी एज कोशिश करेंगे 6-7 साल से ज़्यादा ही हो। नंबर वन पर आता है अश्वगंधा, मदर टिंचर, ये इसको मैं अगर बोलूँ तो सेक्स बॉम्ब भी बोल सकता हूँ भाई, बहुत ही कमाल का रिजल्ट रखता है। इस पर मेरी पूरी वीडियो है, आप यूट्यूब देख सकते हैं मेरा, विजिट करके आपको मुकम्मल वीडियो मिल जाएगी और आपको भरपूर इंफॉर्मेशन भरी वीडियोज मिलेंगी। उसके अलावा दूसरे नंबर पर आती है ट्रैबुलस, मदर टिंचर, क्यू पावर में, इनको मैं दोनों मतलब ट्रैबल और सरेश वगैरह को खासकर मैं बहन भाई कहता हूँ, क्योंकि ये सेम वर्क करती हैं एक दूसरे से बढ़कर, ये दोस्तों जैसे दो उंगली है ना, सेम इसी तरह ही है ये। अगर आप इनमें से एक इस्तेमाल करना चाहें ये भी मसला नहीं है, आप एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो दोनों इस्तेमाल करें तो आपको भरपूर फ़ायदा होगा। अच्छा, तीसरी जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, मोरिंगा की, असल में ये होम्योपैथिक प्रोडक्ट है, ये हर तरह की अब चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, मोरिंगा पाउडर आ गया है, बहुत सी चीज़ें आप देखें हर्बल में, एलोपैथिक में, हर तरह की जगह पर आपको ये ना मोरिंगा मिलेगा, और ख़ासकर एड्स भी आपको आते होंगी, लेकिन मोरिंगा क्यों बहुत ही कमाल के रिजल्ट रखता है। मदर टिंचर में आप इस्तेमाल करें ये, मल्टी विटामिन भी इसमें बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें इतने फ़ायदे हैं, ये आपकी कमी बेशी ख़त्म कर देता है सबसे बड़ी बात, और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा आपने कॉफ़ी का जो इनटेक है ना वो कम करना है, कॉफ़ी आपने नहीं लेनी ज़्यादा, अगर आप ले रहे हैं आपको एनर्जी फील होती होगी, अच्छा फील होता होगा, लेकिन आप कोशिश करें कि ये बिल्कुल ही छोड़ दें। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें अल्कोहल की, अल्कोहल वैसे हराम है, आप ना लें ज़्यादा अच्छा है, और इस नुकसान तो उसके बेशुमार हैं। उसके अलावा स्मोकिंग की बात करें, बहुत से दोस्त अहबाब कहते हैं कि यार हम स्मोकिंग ऐसा ऐसा करके कम करके ले आए हैं, यानी कि थोड़ी ले रहे हैं, आप चाहे इतना जहर खा लें, इतना खा लें, चाहे इतना सा खा लें, नुकसान आपको ही है, जान आपकी जान है, यानी कि अगर आप थोड़ी पी रहे हैं, बहुत पी रहे हैं, नुकसान आपको पूरी होगा, तो बेहतर है कि बिल्कुल ही छोड़ दें। अगर छोटे मतलब एक सिगरेट पर ले आए आप उसको भी छोड़ ही दें। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप प्रॉपर नोट कर लें,
पेपर और पेंसिल ले लें, ये सारी चीजें दोबारा वीडियो देख लें, नोट कर लें, ये आपने करनी है, अपने रूटीन में ऐड करनी है। और अगर इस तरह का कोई सवाल हुआ मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसका आपको जवाब भी दूं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए